सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे WH फैमिली के पैसिव वॉइस बनाना, और इनमें आज हम सीखेंगे हु और हुम के बनाना। ठीक है, इनमें क्या है फ्रेंड्स, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, यानी इन दोनों वर्ड के पैसिव वॉइस बनाते समय बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो आज हम लोग एक एक चीज़ को क्लियरली समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। WH फैमिली के पैसिव वॉइस बनाना सीखने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार आपको मैं रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि इनको याद रिवीजन होना चाहिए, याद होने चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, इनमें ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इंडेक्स के तौर पे। देखिए, इनमें डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, SMR थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो आपको बाद वर्ड थर्ड फॉर्म कर देना है। और इनको मैं सीधे से तरीके से बता देता हूँ, जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिखाई दे तो आपको एक वर्ड याद रख लेना है बीइंग। ठीक है, जब वर्ब में ING दिखाई देगी आपको क्या याद रख लेना है, बीइंग। ठीक है, और जब आपको दिखाई देंगे हैज हैव हैड, क्या दिखाई देंगे, हैज हैव हैड, तो आपको याद रख लेना है बीइंग। फिर से बता रहा हूँ, जब ING दिखाई देगा ING तो आपको बीइंग याद रखना है। ठीक है, और जब हैज हैव हैड दिखाई देगा तो आपको बीइंग शब्द याद रखना है, और जब आपको विल शैल या मॉडल दिखाई देंगे तो आपको क्या याद रखना है, VE। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और आगे देखिए, ये है हमारा WH फैमिली का, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हु से। ठीक है, इसके फ्रेंड्स दो तरीके से बना सकते हैं, दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर अधिकांशतः हम लोग इस फॉर्मूले के आधार से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वाई हुम लिखते हैं, उसके बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर के आओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद लेकर के आओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, सेकेंड फार्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है, इसी के जैसा है, बस आपको स्टार्ट करना है हु से, क्वेश्चन भी उसे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी उसे होगा, तो आंसर भी आप लोगों को पैसिव वॉइस को भी उसे स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो आप लोग यहाँ पे ये वही यहाँ पे लिख रहे हो ना, वो वही कहाँ जाएगा, पीछे, यानी वही पे आपका आंसर खत्म होना है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। हु टीचेज इंग्लिश देयर, हु टीचेज इंग्लिश देयर, मैं स्टार्ट के तीन एग्जाम्पल आपको दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ, समझे। देखिए, पहले मैं वही हुम के तरीके से बता रहा हूँ, हु से स्टार्ट हुआ है अपना, ये स्टार्ट में हम लोग लिखेंगे वही हूँ। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा हुआ मिलेगा, आपको SMR वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो ये लिया है मैं SMR में से इज। ठीक है, अब लेकर के आना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी इसी के आधार पे फ्रेंड्स ये SMR आएगा, यानी अपना ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को आगे लेके आए हो ना आप, तो इंग्लिश के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे, इज, और फिर ये आ जाएगा इंग्लिश, और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टीच की, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, यानी इज प्लस SMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो बदलते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का काम है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा देयर। अब फ्रेंड्स, ये वही हुम से बता दिया, अब हु से समझिए। हु से स्टार्ट हुआ तो अपन हु का हु लिख देंगे। ठीक है, टीचेज है, इस वजह से हम लोग इज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश की वजह से इज लेकर के आए। ठीक है, आर नहीं लेके आएंगे, अपने को पहले ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट कर देंगे, देयर को उतार देंगे लास्ट में वाले को। ठीक है, और जो ये वही हम लोग ऊपर वाले में वही हुम से बनाया था ना, जो वही बचता है वो वही को हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, वही पे आंसर खत्म हो जाएगा यदि हु से स्टार्ट करोगे, और वही हुम से स्टार्ट करोगे तो इसमें फिर आपने वही नहीं लगाना है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, हु राइट्स ए लेटर, देखिए इसमें ऐसे ही ऐसे लगा हुआ है, वही हुम से स्टार्ट कीजिए, ए लेटर की वजह से क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ए लेटर, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न। ठीक है, ये आंसर खत्म। और इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा, हु से स्टार्ट करेंगे, इज आ जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगर हु से स्टार्ट करें लास्ट में हमको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, वही। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, ऊपर वाले फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल आप जो दे रखे थे वो थे फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, यहाँ पे ये ब्रॉक कौन सी है, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म की वजह से मैंने आपको बता रखा है डिड और सेकंड फॉर्म होती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट वही वही हुम से करेंगे, लेकिन अब सेकंड फॉर्म है, इस वजह से हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाज, किसकी वजह से, पहले आप लोग ये देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस ए ब्यूटीफुल ग्लास, ये हमारा फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, दिस ब्यूटीफुल ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वही हुम दिस है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे वाज, तो वाई हुम वाज, ये अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और ब्रॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, क्या होती है अपनी थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, यानी वाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। अब हु से भी समझ लें, इसको करना कुछ नहीं है, वाई हुम की जगह पे हम लोग हुई लिख देंगे,
वाह जैसे कैसे ही देखिए दिस ब्यूटीफुल क्लास आ जाएगा, ब्रोकन आ जाएगा ला, बस इसमें चेंजेस क्या है लास्ट में वही और लिख देते हैं, क्या और लिख देते हैं हम लोग लास्ट में थर्ड फॉर्म के बाद वही और लिख देते हैं, हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने अब सारे एग्जाम्पल में भाई से स्टार्ट करूँ क्योंकि ज़्यादातर इसी से ही बनाए जाते हैं। हु सॉल्वड दैट प्रॉब्लम, हु सॉल्वड दैट प्रॉब्लम फ्रेंड्स सेकेंड फॉर्म है ये, तो सेकेंड फॉर्म की वजह से क्या आना है यहाँ पे वाज स्टार्ट करेंगे वायूम से, वाज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दैट प्रॉब्लम आ जाएगा ठीक है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी सॉल्व, क्या आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म सॉल्व ठीक है। आगे देखिए अब हु इज मेकिंग ए नॉइज, फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रख लें मैंने आपको बताया था अभी आई एन जी, जहाँ भी आई एन जी दिखेगा वहाँ क्या करोगे बी ई आई एन जी, एक वर्ड याद रख लेना, क्या याद रख लेना बी ई आई एन जी ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जहाँ भी पर में आई एन जी देखोगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वहाँ पे क्या करना है आपको बी ई आई एन जी एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा ठीक है। तो हु इज मेकिंग ए नॉइज, हु इज मेकिंग ए नॉइज, तो याद कीजिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे वाई ओम से शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या लेकर के आएंगे इज एम आर में से लेकर के आएंगे ठीक है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ए नॉइज, अभी क्या लगाएंगे अपन बीइंग और बचरान तो बीइंग लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखें इसमें वापस बीइंग बी डबल ई एन ठीक है, एक तो बी ई आई एन जी, एक बी डबल ई एन और एक बी ई, ये तीन है अपनी जिनको हम ऐड करते हैं इनमें, इन तीनों को हमें थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है थर्ड फॉर्म, ये देखिए इसमें मेड है तो मेड से जस्ट पहले मैंने लगा दिया ये विंग ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाते हैं। एक और देखिए इसका एग्जाम्पल, हु इज़ प्लेइंग द रेडियो इन द रूम, हु इज़ प्लेइंग द रेडियो इन द रूम, फ्रेंड्स आप लोगों को ये लग रहा होगा प्ले प्ले यानी तो खेलना होता है, ये रेडियो रेडियो से खेलना, ये कैसा फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें प्ले यानी खेलना भी होता है, और जब कोई मतलब वाद्य यंत्र हो अपने इंस्ट्रूमेंटल हो कोई भी वाद्य यंत्र हो गिटार ठीक है हारमोनियम रेडियो, जब इनको बजाने का काम किया जाता है यानी तो बजाने के लिए हम मीनिंग जो यूज करते हैं वो प्ले मीनिंग यूज करते हैं, कौन सी मीनिंग यूज करते हैं प्ले, तो यहाँ प्लेइंग का मतलब बजाना है ठीक है, रेडियो बजाना रेडियो चलाना इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स हु इज़ प्लेइंग द रेडियो इन द रूम, तो इसमें स्टार्ट करेंगे वही रूम से, अब द रेडियो की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या लगेगा इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द रेडियो, चूँकि आई एन जी लगा हुआ है तो वींग भी लगाना है हमको ऑब्जेक्ट के बाद में ये लगा देंगे ठीक है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले होना चाहिए वो, उसके बाद बचा हुआ वाक्य इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना फ्रेंड्स इनमें। आगे देखिए हु वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, हु वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, देखिए ऊपर इज एम आर थे इज एम आर आई एन जी वाले रूल तो वही लगेगा आई एन जी आ रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे वींग, लेकिन कहाँ जोड़ना है वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले ठीक है। स्टार्ट करते हैं वाई हुम, अब देखिए क्लॉथ्स है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो आप लोग, तो क्लॉथ्स की वजह से प्लूरल है तो क्या लगेगा यहाँ पे वर्ब, वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो क्लॉथ्स अब क्लॉथ्स आ जाएगा उसके बाद वींग और वाज्ड ठीक है। देखिए किया क्या है मैंने वाई हुम, उसके बाद क्या किया मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके आधार पे आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, क्लॉथ्स प्लूरल है बहुवचन है पर लग जाएगा ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे यानी क्लॉथ्स आ जाएगा, आई एन जी लगा हुआ है वर्ब में इस वजह से क्या करेंगे बींग वर्ब जोड़ देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाश्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वाश्ड, क्या हो जाएगी वाश्ड ओके फ्रेंड्स। और देखिए एग्जांपल इसके अभी हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, स्टार्ट करेंगे वाई उम से ठीक है, क्या लगा देंगे अब यहाँ पे वाज, किसकी वजह से लगाया वाज हमने क्रिकेट की वजह से, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया क्रिकेट लिख दिया, उसके बाद आई एन जी लगा हुआ है वर्ब में इसलिए क्या क्या और ऐड करेंगे हम विंग ऐड करेंगे, उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड यानी वाई हुम वाज क्रिकेट विंग प्लेड। तो ये फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने पढ़ लिया आई एन जी वाले, अब मैंने आपको बताया था जब आपको दिखाई दे हैज वर्ब थर्ड हैव वर्ब थर्ड या हैड वर्ब थर्ड तो उनमें एक वर्ड जोड़ना होता है, कौन सा वाला वीन, कौन सा वर्ड जोड़ोगे आप लोग वीन, ये मैंने आपको अभी इंडेक्स बताई थी तो याद करने के लिए बताया था मैंने कि ये जब हम लोग हैज हैव हैड वाले देखेंगे तो उनमें आपको वीन जोड़ना है, आई एन जी वाले देखेंगे तो उनमें वींग जोड़ना है ठीक है, और अगर विल शैल और मॉडल वाले देखेंगे तो उनमें क्या करना पड़ेगा बी ई वी जोड़ना है ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इनके, देखिए हु हैज इटन एप्पल, हु हैज इटन एप्पल, देखिए वही हुम से स्टार्ट करेंगे, अब क्या लेकर के आना देखिए एप्पल्स की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे हैव, क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एप्पल्स आ जाएगा, अब क्या और ऐड करना है वीन और ईट की थर्ड फॉर्म इटन लिख देंगे ठीक है। हैज हैव हैड वाले में फ्रेंड्स आपको पहले से ही है ना थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो ऐसे क्या एज ऐसे कैसे लिख देंगे उसको। हु हैज ब्रोकन द कप, हु हैज ब्रोकन द कप, देखिए इसको बनाएंगे वही हुम से, उसके बाद देखिए अब द कप है द कप की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे हैज़,
अब ये अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द कप, क्योंकि एज ए वाले हैं इसलिए क्या जोड़ देंगे इसमें वीन, और ब्रोकन पहले से थर्ड फॉर्म दी होती है तो ब्रोकन का ब्रोकन लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो भाई हुम हैज द कप, वीन, ब्रोकन। नेक्स्ट देखिए, हु हैड रिटन ए स्टोरी, हु हैड रिटन ए स्टोरी, क्या बनेगा, भाई हुम लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हैज है वाले में तो देखना होता है आपको किसके साथ हैज है, इन हैड तो सबके साथ ही लगेगा, तो वही हुम हैड। अब ए स्टोरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि हैड वाला है, एज ए हैड वाले होते हैं तो वीन जोड़ देंगे, और रिटन थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है तो ऐसे कैसे इसको लिख देंगे, क्या बनेगा आंसर, वाई हुम हैड ए स्टोरी वीन रिटन। और देखिए फ्रेंड्स, हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, तो स्टार्ट करेंगे वाई हुम से। देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी चीज़ को भूलो ना। आई एन जी वाली जब भी देखोगे बी ई आई एन जी जोड़ना है, हैज हैव हैड वाले देखोगे तो बी डबल ई एन जोड़ना है, जब आपको बिल शेल दिखाई देंगे, बिल शेल या कोई भी मॉडल, तो आपको क्या जोड़ना है, वी ई, क्या जोड़ना है आपको, वी ई, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, हु विल हेल्प यू का बनाएंगे, वही हुम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ये अपन ने हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी, उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी यू आ गया, अब क्या जोड़ना है हमको, मॉडल या बिल शेल वाला, इसलिए बी ई जोड़ देंगे, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो भाई हुम आ जाएगा, मॉडल लग जाएगा कैन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी दिस प्रॉब्लम, अब चूंकि मॉडल है इसलिए क्या और जुड़ जाएगा, वी ई, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु विल क्लीन द रूम, तो भाई हुम से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब विल है तो विल लगा देंगे, अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी द रूम आ जाएगा, मोर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है विल शैल, इस वजह से क्या लग जाएगा, वी ई, और क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्लीन आंसर बनेगा, वाई होम विल द रूम वी क्लीनड, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने हु वाले सारे पढ़ लिए, आपको दो फॉर्मूले बताए, उन दोनों फॉर्मूले से आप बना सकते हो। अब देखिए होम से स्टार्ट होने वाले, हुम से स्टार्ट होने वाले, देखिए फ्रेंड्स सीधा सा तरीका है, इनको आप याद रखें, यदि हु से शुरू होगा तो उसे हम स्टार्ट करेंगे वही हुम से, यदि आपका एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा, हु से शुरू होगा तो आप उसको शुरू कर देना वही हुम से, लेकिन जब हुम से शुरू हो जाएगा तो आपको शुरू करना है हु से, इसको आप समझ लें, हु से शुरू होगा तो वही हुम से शुरू कर देंगे, और हुम से शुरू होगा तो फिर किससे बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस, हु से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हुम से शुरू होने वाले, देखिए फ्रेंड्स आप, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ बताया कि ए वी, यदि आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ हो, किससे स्टार्ट हुआ हो, हु से, तो आप लोगों को पैसिव वॉइस स्टार्ट कर देना भाई हुम से, जैसे कि अभी आप लोगों ने बनाए थे, लेकिन जब आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुम से शुरू हो तो आपको पैसिव वॉइस शुरू कर देना है हु से। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जब हुम से आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वो लिखना आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है, वही, और सब्जेक्ट को बना देना है आपको ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अधिकांशतः कहाँ मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कहाँ मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, कोई भी हो, कहने का मतलब है मेन वर्ब जो होती है आप लोगों की, चाहे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, चाहे वर्ब में आई एन जी वाली हो, यानी जो मेन वर्ब होती है, खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, इनकी जो मीनिंग्स होती है, उनके बाद में अधिकांशतः आप लोगों को क्या मिलते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, होम से जो स्टार्ट होंगे उनमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके एग्जांपल से समझते हैं, आइए। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से ऊपर, एग्जांपल देखिए इसका, होम डू यू वांट, होम डू यू वांट, मैंने अभी आपको बताया जब होम से शुरू होगा तो आपको किससे शुरू कर देना है, हु से शुरू करना है, तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले हु। देखिए फ्रेंड्स, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे ही एस होता है तो आप लोग क्या लगाते हो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इज लगा दिया, और यहाँ हम क्या लगा देंगे, वांट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड। अब फ्रेंड्स आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये यू कौन सा है, फ्रेंड्स ये यू है फर्स्ट फॉर्म, यानी ये यू कौन सा, सब्जेक्ट वाला, कौन सा वाला यू है, ये सब्जेक्ट वाला, तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम लोग, तो वही लगा करके यूज़ करना होता है उसका, तो वही यू लास्ट में पहुँच जाएगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, देखिए वांट अपनी मेन वर्ब हो गई, वांट यानी होता है चाहना, ठीक है, लेकिन वांट का, वांट के साथ में आप लोगों को देखो दिखाई दे रहा है क्या कुछ, उसके बाद में देखिए कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो इसमें अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता, अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आता कहाँ पे, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आ जाता तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट लिख देते यहाँ पे,
यानी इज और फिर आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर वांटेड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें होता नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें होम हैव यू इनवाइटेड, होम हैव यू इनवाइटेड, तो देखिए हु से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है ना, यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो हैज लगाएंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में इज क्यों लगाया, इसमें हैज क्यों लगाया। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, हु को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, हु को सिंगुलर एक वचन मानते हैं, तो एक वचन के साथ में हम लोगों को एक वचन की क्रिया ही लगानी होती है, ठीक है। तो देखिए ऊपर मैंने हु के साथ इज लगाया, हु को प्लूरल नहीं मानते, हु को हम सिंगुलर यानी एक वचन मानते हैं, एक वचन के साथ इज ही लगता है ना, तो हु इज हो गया। यहाँ पे देखिए हु के साथ में हैज लगेगा, क्योंकि हैज और हैव में से क्या लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि सिंगुलर है हु, तो हु को हम एक वचन मानते हैं तो हैज लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया हैज। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हैज हैव वाले मैंने आपको बताया था क्या और लग जाएगा साथ में, वीन। अगर इसमें ऑब्जेक्ट और होता, मैंने फिर से इसको समझ लें, अगर इसमें क्या और होता, ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, उसको हम कहाँ लगा देते, इनके बीच में कहाँ लगा देते, हैज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और फिर क्या लगाते, वीन। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम इसको क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे, फिर साथ में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, साथ में। तो हु हैज बीन, ठीक है, इनवाइट की थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है एज हैड वालों में, तो इनवाइटेड ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये जो आप लोगों का यू है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, वही यू। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर बनेगा आपका हु हैज बीन इनवाइटेड वही यू। थर्ड एग्जांपल देखिए आप लोग, होम विल यू कॉल, होम विल यू कॉल, तो क्या बनेगा इसका, देखिए स्टार्ट करेंगे उसे, अब विल शैल और कोई भी मॉडल दिया होता है आपको, एक वर्ब जोड़ना होता है वी ई, तो यहाँ पे बिल बी जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, यानी बिल भी लगा देंगे। अब क्यों लगा रहे हैं बिल भी, अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा देते बीच में, विल और बी के बीच में, लेकिन है ही नहीं है, आता ही नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट, तो आप लोग क्या करोगे, सीधे साथ में लिख दोगे इनको, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, बिल बी, शैल बी, कैन बी, यानी मॉडल के साथ जो बी ई लगेगा वो लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई आई एन जी वाली भी होती ना इसमें, कोई क्वेश्चन आई एन जी वाला और होता, तो बींग को आपको साथ में लगाना पड़ता, इज बींग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाता, आर बीइंग, वाज बीइंग, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो इसमें बना क्या हमारा, हु विल भी लग जाएगा, क्योंकि विल भी वाला बी लगेगा नहीं, बी तो हम किस वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे, मैंने आपको भी बताया था इंडेक्स में, विल शैल हो या फिर कोई मॉडल हो, कैन कुड शैल शुड, कोई भी मॉडल होगा तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, बी ई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, हु विल बी और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, और ये आपका यू चला जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वही यू। तो आंसर बनेगा हु विल बी कॉल्ड वाई यू। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, होम डिड आई मीट, होम डिड आई मीट, फ्रेंड्स डिड आ रहा है, मैंने आपको बताया था डिड और आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आप लोग क्या लगाते हो, वाज वर्ब लगाते हो, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करोगे इसको होम से स्टार्ट, इस वजह हु से स्टार्ट करोगे, डिड आ रहा है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, क्या होती है मीट की थर्ड फॉर्म मैट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो आई है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, वही मी, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, जो ये आपके विंग जुड़ेगा, ठीक है, वी ई जुड़ेगा या बी डबल एन वीन जुड़ेगा, ये आपके जुड़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखे हैं, यानी आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, डू डज डिड, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, डू डज डिड, इनमें आप लोगों को कुछ भी नहीं जुड़ना, ये विंग, वीन और वी ई, ये इनमें जुड़ते ही नहीं है, ठीक है, इनमें डायरेक्ट बनते हैं। तो इनमें देखिए वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल काम करता है इनमें। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, हुम हैज ही अब्यूज्ड, अब्यूज्ड यानी मैंने आपको पहले बताया था अब्यूज यानी होता है गाली देना, ठीक है। तो देखिए इसमें उसे स्टार्ट करोगे, अब हैज हैव एड वाले मैंने आपको बता रखा है वीन लगता है, क्योंकि डायरेक्ट लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है ऑब्जेक्ट तो मिलता नहीं है, तो इसमें हैज वीन कर देंगे सीधे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे अब्यूज्ड, और ये जो आपका ही है ये चला जाएगा पीछे बाई हिम, ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से, हु हैज बीन अब्यूज्ड बाई हिम। नेक्स्ट देखिए, हुम हैड यू टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है ये, तो देखिए इसमें हु से स्टार्ट करेंगे, हैज हैव हैड वाले में एक वर्ड जुड़ता है बीन, यानी हैड बीन हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगी और ये आपका यू चला जाएगा पीछे, तो वही यू। ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है फ्रेंड्स इसमें, अगर ऑब्जेक्ट मिलता तो मैंने आपको बताया था कहाँ लग जाता, इनके बीच में लग जाता, ठीक है ना, कहाँ लग जाता इनके बीच में, लेकिन इसमें आता नहीं है हुम वाले में। और ये दोनों मैंने इसलिए पढ़ाए क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है इसमें, लेकिन ध्यान रखना है आपको, मैंने एक एक तरीके से समझा दिया है हु वाला और हुम वाला, बस प्रैक्टिस करनी है, समझना है आप लोगों को, ठीक है।